हरियाणा प्रदेश की पुरानी पार्टी इनेलो फिर से आ रही है वजूद में। हाजी सोहराब सरपंच खेड़ी से नू विधानसभा में मची खलबली। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात की ओर, जहां कल नूह विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ी निवासी किसान नेता आजाद खान के बड़े भाई हाजी सोहराब सरपंच ने पूरे इलाके की सरदारी और नौ गांव की सहमति से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साहबजादे अभय सिंह चौटाला को मेवात में बुलाकर उनका जोरदार ऐतिहासिक स्वागत किया। उनके स्वागत में मेवाती बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान तथा महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल रही। साहिबजादे अभय सिंह चौटाला को देखने के लिए उमड़ा हजारों का जनसैलाब। भीड़ को देखकर अब ऐसा लग रहा है जैसे इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में तब्दीली आने वाली है और जिस पल का वर्षों से नूह क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही है वो सपना उनका पूरा होने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव में चौधरी आफताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं हाजी सोहराब सरपंच खेड़ी। सोहराब सरपंच की बात की जाए तो वे एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, जो अक्सर गरीबों का ख्याल रखते हैं और जनता इस बार चाह रही है कि उन्हें एक नया रहनुमा चाहिए, वो भी ऐसा दमदार होना चाहिए जो कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। और सुनिए, राजनीति किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह तो बस करते का करतार है और जनता का जनाधार है। तन मन और धन की बात करें तो चौधरी हाजी सोहराब सरपंच खेड़ी यहां सटीक बैठते हैं। हालांकि अभी तय नहीं है कि पार्टी किसे टिकट देगी। बात सोहराब सरपंच खेड़ी की करें तो वो अभी बिरादरी के ऊपर निर्भर हैं। सूत्रों की माने तो सभी गांव की एक महापंचायत होगी, उसमें जो निर्णय होगा उसके हिसाब से प्रत्याशी तय किया जाएगा। अब यह वक्त तय करेगा कि क्या अगला चेहरा सोहराब सरपंच ही रहेंगे या फिर कोई और। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो यह वो पार्टी है जिसने मेवात को जिला बनाया था, जिस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम ना करके भाईचारे को बढ़ावा दिया था और 36 बिरादरी को एक समान समझा। यह वो पार्टी है जिसने बेसहारा बूढ़े माँ बाप के लिए पेंशन की योजना लागू की थी। आगे पार्टी को जीत मिली तो सूख रहे हरियाणा को फिर से हरियाली में तब्दील किया जाएगा, खासकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। और अब मेवात आगमन पर अभय सिंह चौटाला ने हजारों की भीड़ में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इस घोषणा से समस्त हरियाणा के बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। और नव नियुक्त इनेलो नेता हाजी सोहराब सरपंच खेड़ी ने बताया है कि जल्द ही फरवरी माह में इंडियन नेशनल लोकदल जमीन पर चलेगी और यह शुरुआत मेवात के सबसे बड़े गांव सिंगार से होगी और पूरे हरियाणा प्रदेश में पैदल यात्रा चलेगी। कांग्रेस और भाजपा से परेशान जनता का दर्द जानने की कोशिश करेगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। यह पार्टी आज भी बहुत मजबूत है। सूत्रों के माने तो रातों रात हरियाणा भर के बड़े नेता इनेलो पार्टी में दस्तक दे चुके हैं। अब फिर से श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत कर सैलाब लाने वाले हैं। नूह विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेताओं की हाजी सोहराब सरपंच की कार्यशैली से नींद उड़ चुकी है, घबरा रहे हैं कांग्रेस, भाजपा और जेजेपी कार्यकर्ता। दोस्तों, फिलहाल असंख में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे इनेलो पार्टी से जुड़ी एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिएगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।